बॉलीवुड एक्ट्रेस अनुष्का शर्मा ऐसी एक्ट्रेस में हैं जिन्होंने बॉलीवुड के तीनों खान्स के साथ स्क्रीन शेयर किया है। इनकी ज्यादातर फिल्में हिट हुई हैं। बॉलीवुड में आदित्य चोपड़ा की फिल्म से डेब्यू करने वाली अनुष्का किसी भी फिल्मी बैकग्राउंड से ताल्लुक नहीं रखती हैं, जिस पर अनुष्का ने अपनी राय रखते हुए ये बताया कि उन्हें कभी आउटसाइडर जैसा फील नहीं हुआ। हम सबकी अपनी अपनी जर्नी होती है, सबकी अलग जर्नी होती है, सबके अलग एक्सपीरियंसेस होते हैं। आई एम श्योर यहाँ पे जितनी भी एक्ट्रेस बैठे हैं स्टेज पे, सब लोग इस बात का दावा कर सकते हैं। मेरा लॉन्च हुआ था यशराज फिल्म्स में, आदित्य चोपड़ा ने मुझे लॉन्च किया था। मैं आउटसाइडर हूँ और उन्होंने मुझे एक बहुत बड़ी फिल्म में लॉन्च किया। सिमिलरली उन्होंने रणवीर सिंह को लॉन्च किया है और उन्होंने परिणीति चोपड़ा को लॉन्च किया। हम तीनों ही कम्प्लीटली इंडस्ट्री के बाहर से हैं। एंड तो मेरे एक्सपीरियंस से आई हैव अ लॉट ऑफ रिस्पेक्ट फॉर आदित्य चोपड़ा, बिकॉज उन्होंने एक्टर्स कास्ट किए, यू नो, एंड मैंने पर्सनली कभी भी ये एक्सपीरियंस नहीं किया। ऑल्सो मुझे एक बात बहुत क्लैरिफाई हो गई थी मेरी बिगिनिंग मेरे करियर की, क्योंकि जो भी मुझे जिसे बोलते हैं एक मौकाम या एक जो मेरी लाइफ बदली है वो बैंड बाजा बारात के बाद बदली, यू नो, जब आई थिंक लोग मुझे थोड़ा ज़्यादा सीरियसली लेने लग गए। मुझे बहुत अप्रिसिएशन मिला था मेरी पहली फिल्म में, बट जैसा बैंड बाजा बारात के बाद मिला वैसा नहीं था। तो वो फिल्म थी जिसमें मेरी लाइफ लिटरली बदल दी। एंड उससे मैं एक बात समझी हूँ कि उसके बाद से एक्चुअली कि अगर आप अच्छा कर रहे हो यहाँ पे तो लोग आपके साथ काम करना चाहेंगे, अगर आप अच्छा नहीं कर रहे हो तो चाहे आप कुछ भी हो लोग आपके साथ काम नहीं करेंगे। यहाँ पे ये बिजनेस है, यहाँ पे सब लोग बहुत अपने क्या बोलते हैं बिजनेस डिसीजंस लेते हैं। और उस अगर आप चाहे आप अगर मतलब आप मुझे बताओ अगर कोई आउटसाइडर एक बहुत बड़ा स्टार है जैसे शाहरुख खान है तो कोई क्यों नहीं मतलब कोई क्यों नहीं उनके साथ काम करना चाहेगा, यू नो। सो आई थिंक ये बट एट द सेम टाइम लेट मी से कि सबके अलग अलग एक्सपीरियंसेस होते हैं एंड मैं अपने एक्सपीरियंस पे कॉमेंट कर रही हूँ। मैं जितनी बड़ी हो रही हूँ और जितना मुझे लाइफ में समझ हो रही है उतना मैं जान पा रही हूँ कि हर इंसान के स्ट्रगल्स और बैटल्स बहुत अलग होते हैं और मैं कम बहुत कम जजमेंटल होती जा रही हूँ डे बाय डे। तो मैं कभी किसी और के एक्सपीरियंस के बारे में जजमेंट नहीं डालना चाहूँगी, बिकॉज उनके स्ट्रगल्स अपने और उनके बैटल्स अपने रहे हैं जिनके बारे में हम लोग कुछ नहीं जानते, ठीक है। तो मैं बस अपने बारे में बात करूँगी, मैंने कभी एक्सपीरियंस नहीं किया है। और मैं आदित्य चोपड़ा को बहुत रिस्पेक्ट करती हूँ एज अ प्रोड्यूसर एंड एज अ ह्यूमन बींग कि उन्होंने मुझे इतनी बड़ी फिल्म में मौका दिया और कभी भी मेरे साथ कोई भी भेदभाव नहीं किया। आपको बता दें कि बॉलीवुड में अमिताभ बच्चन और शाहरुख खान भी आउटसाइडर ही हैं, पर इन्होंने अपनी एक्टिंग से जो मुकाम हासिल किया है उसे किसी फिल्मी बैकग्राउंड वाले भी पा नहीं सकते।